जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र वासुरे वेदा केयर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी जो IBPS AFO मेंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो हमारा पिछला लेक्चर था वो हमने एंड इस क्वेश्चन पर किया था, ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। मैंने आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, ठीक है। इग्नियस चट्टान का, सेडिमेंट्री रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक्स का, या इनमें से कोई नहीं। किसका उदाहरण है ग्रेनाइट? तो ग्रेनाइट उदाहरण है इग्नियस रॉक का, अग्नि चट्टान का। कैसे, चलो इसको जानते हैं। ग्रेनाइट होता क्या है, अग्नि चट्टान होती क्या? देखो, अग्नि चट्टान के बारे में कुछ फैक्ट है। तो देखो, चट्टानें क्या होती है, तो खनिजों का मिश्रण, जितने मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। मिनरल्स कैसे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। तो इनका मिश्रण क्या कहलाता है, खनिजों का मिश्रण चट्टान, क्या कहलाता है, चट्टान, इंग्लिश में रॉक, ठीक है, चट्टान कहलाता है या रॉक कहलाता है। खनिजों के मिश्रण से क्या बनती है, चट्टानें बनती है। चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो चट्टानें होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है चट्टानें, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी चट्टानें, अग्नि चट्टान, दूसरी परतदार चट्टान, और तीसरी रूपांतरित चट्टान। अग्नि चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अग्नि चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस रॉक, परतदार चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स, और रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। देखो, अग्नि चट्टान, तो चट्टानों की सबसे जो पहली निर्माण होता है जिन चट्टानों का, उन चट्टानों को कहा जाता है कौन सी चट्टानें, अग्नि चट्टानें। सबसे पहले बनने वाली चट्टानें कौन सी होती है, अग्नि चट्टानें होती है। इसलिए इन्हें पेरेंट रॉक, कौन सी रॉक, पेरेंट रॉक्स, पेरेंट रॉक्स, पैतृक चट्टानें भी कहा जाता है। पेरेंट रॉक्स या पैतृक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, किनका, इग्नियस रॉक का या अग्नि चट्टानों का, ठीक है। भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है, कितनी चट्टानों, 95% कौन से चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक। पूरे अर्थ क्रस्ट पर लगभग 95% जो भाग फैला हुआ है, किन चट्टानों का फैला हुआ है, तो इग्नियस रॉक या अग्नि चट्टानों का फैला हुआ है। कितना भाग, 95%। कितनी पाई जाती है अग्नि चट्टाने, 95% भाग पर पाई जाती है अग्नि चट्टाने या इग्नियस रॉक। देखो, इग्नियस रॉक होती है दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक होती है प्लूटोनिक और एक होती है वोल्केनिक। प्लूटोनिक और वोल्केनिक इग्नियस रॉक दो प्रकार की होती है, प्लूटोनिक और वोल्केनिक। प्लूटोनिक क्या होता है, देखो, जब लावा, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है, मैग्मा या लावा, जब यह पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए, ठीक है ना, और कैसा, जम जाए, ठंडा होकर क्या हो जाए, जम जाए, किसके अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर, तब इसे जब यह ठंडा होकर जमेगा पृथ्वी के अंदर, ठीक है, लावा, तो इससे बनने वाली जो चट्टान रहेगी वो कैसी चट्टान रहेगी, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, कैसी चट्टान रहेगी, प्लूटोनिक चट्टान, कैसी, प्लूटोनिक चट्टान। प्लूटोनिक चट्टान कैसी, जब लावा ठंडा होकर क्या हो, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाए, और उन चट्टानों, जो चट्टान बनेगी उन चट्टानों को कहेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। एक होती है वोल्केनिक, नाम से स्पष्ट है, वोल्केनो, वोल्केनो जानते हैं ना, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी जैसे फटता है, आपने देखा होगा ना, ज्वालामुखी जैसे फैलता है तो क्या, लावा किधर गिरता है, बाहर की ओर, ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है लावा, ठीक है ना। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो लावा कहाँ आता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर ये लावा आएगा, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है। अब ये लावा फूटा, जैसे बोल के ज्वालामुखी फूटा ना, विस्फोट हुआ ज्वालामुखी के अंदर, तो लावा कहाँ आया, पृथ्वी की सतह पर आया। तो जब ये लावा है, अब ये लावा कैसा, पृथ्वी के अंदर से निकला है, ठीक है, भूगर्भ से, तो कैसा है, गर्म है। अब ये पृथ्वी की सतह पर आएगा और क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है ना, पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, ठंडा होगा, और क्या होगा, जमेगा। तो जब ये पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर जमता है, जब इस लावा के ठंडे होने से, जमने से जो चट्टाने बनेगी, वो चट्टाने कौन सी चट्टाने होगी, वोल्केनिक, कौन सी चट्टाने, वोल्केनिक रॉक्स, कौन सी चट्टाने होगी, वोल्केनिक रॉक्स। आ गया आपको समझ में, तो इग्नियस रॉक के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से दो टाइप्स, एक होती है प्लूटोनिक और एक होती है वोल्केनिक।
कौन सी? प्लूटोनिक और दूसरी वोल्केनिक। ठीक है, प्लूटोनिक में क्या होगा, लावा पृथ्वी के सतह के अंदर ही, मतलब लावा कहाँ जाएगा, पृथ्वी के अंदर जमा होगा और चट्टानों का निर्माण बनाएगा। और जो वोल्केनिक, इसमें क्या ज्वालामुखी फूटेगा, ठीक है, विस्फोट होगा, तो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर का लावा बाहर निकलेगा और पृथ्वी की सतह पर जमा होकर चट्टाने बनवाएगा। लावा पृथ्वी के ऊपर अंदर, ठीक है, आ गया समझ में आपको। तिग्नीय सरोवर दो प्रकार की, प्लूटोनिक और वोल्केनिक। आती है दूसरी चट्टान कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक? सेडिमेंट्री या परतदार चट्टान, ठीक है, इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी रॉक्स। कौन सी रॉक? सेकेंडरी रॉक्स, द्वितीय चट्टानें। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण किससे होता है? अग्नेय चट्टानों से होता है। किनका निर्माण? जो परतदार चट्टानें होती है, इनका निर्माण किससे होता है? अग्नेय चट्टानों से होता है। जो अग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है, इनमें वेदरिंग होती है। क्या होती है? वेदरिंग या अपक्षय होता है, ठीक है, टूटती है, तो इनके टूटने से क्या होता है, परत के रूप में, ऐसी परत के रूप में क्या होती है, चट्टानें ऐसे जमने लग जाती है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स परतों के रूप में, लेयर के रूप में क्या, अग्नि चट्टानें टूटती है और जमने लगती है, ठीक है ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान। तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी रॉक्स कहा गया है, क्योंकि इनका निर्माण कैसे हो रहा है, प्राइमरी रॉक से या इग्नियस रॉक से, ठीक है, अग्नि चट्टानों से हो रहा है। अग्नि चट्टानों के टूटने से बन रही कौन से चट्टानें? सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी चट्टानें होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सी रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? देखो, जो अग्नि चट्टान है और जो परतदार चट्टान है, मतलब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, इन दोनों के टूटने से या इन दोनों में परिवर्तन हो से, क्या इन दोनों में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन या चेंज होने से कौन सी चट्टानें बनेगी? मेटामॉर्फिक, ठीक है ना, कौन सी चट्टानें बनेगी? रूपांतरित चट्टानें बनेगी। कौन सी चट्टानें? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे मार्बल, ठीक है ना, मार्बल, फिर होगा क्वार्ट्जाइट, ठीक है, ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। अब इग्नियस, अपन ने क्वेश्चन क्या था अपना, ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? इग्नियस रॉक का। किसका उदाहरण है? इग्नियस रॉक का, ठीक है। देखो, मैंने इसमें बताया ना आपको दो प्रकार की, कौन सी, एक होती है प्लूटोनिक और एक होती है वोल्केनिक, ठीक है ना, आ गया समझ में आपको। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का। एक और पूछा जाता है बेसाल्ट। कौन सा? बेसाल्ट। बेसाल्ट भी किसका उदाहरण है? इग्नियस रॉक का ही उदाहरण है। मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल यदि आपसे पूछे तो क्या आ जाएगा? मेटामॉर्फिक मार्बल, क्वार्ट्जाइट, मार्बल क्वार्ट्जाइट किसके उदाहरण? मेटामॉर्फिक रॉक्स के। सेंडिमेंट्री में जिप्सम, खड़िया, ठीक है ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है ना, ये चूना पत्थर से क्या बनता है? मार्बल बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेसिपिटेटिंग रेन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पर यूनिट, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र या उपकरण क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर है रेन गेज। रेन गेज, ठीक है ना, वर्षा मापी यंत्र। रेन गेज को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्षा मापी यंत्र। क्या कहा जाता है? वर्षा मापी यंत्र कहा जाता है। किसे? रेन गेज। रेन गेज को क्या कहा जाता है? वर्षा मापी। एक एरिया में यदि जितनी बारिश हो रही है, ठीक है ना, उसे रेन गेज के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर को बताओ वायु गति मापी। वायु गति मापी मतलब यह हवा की या वायु की क्या स्पीड, जो गति होती है उसके द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापी जाती है? तो वायु की गति को मापा जाता है। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ जनरली आपने देखा होगा, हृदय गति देखा होगा ना, जैसे ऐसे करा देखते हैं अपन, आईसीयू वार्ड में अपने जनरली देखा होगा, ऐसे हार्टबीट दिखती है आपको, ऐसे कार्डियोग्राफ, वो क्या है? कार्डियोग्राफ है, ठीक है ना, आपके पल्स रेट दिखाता है जो, ठीक है ना, हृदय गति मापते किससे? कार्डियोग्राफ के द्वारा, हृदय की गति, ठीक है ना।
मापी जाती किसके द्वारा? कार्डियोग्राफ के द्वारा। देखिए ये होता है रेन गेज। क्या है रेन गेज? ऐसा होता है एक बिकर रहता है एक नॉर्मली, ठीक है। बिकर पूरा कैसा रहता है? पारदर्शी होता है, आप इसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। इसमें स्केल लगा रहता है जिस पर क्या सेंटीमीटर में सारी मेजरमेंट लिखी रहती है सेंटीमीटर में, ठीक। एक कीप जैसा रहता है इसका मुंह, किसका जैसा? कीप जैसा। किसका जैसा? कीप जैसा, ठीक। कीप जैसा इसका मुंह रहता है, ठीक। इसको फिट कर देते हैं, ठीक। अब जैसे बारिश होगी तो पानी क्या आएगा? बारिश होगी तो पानी क्या इस बिकर के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक। और यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? इस अंदर में जाएगा, ठीक। किसके? जो परख नली रहेगी ना उसके अंदर जाएगा। अब जितने इंच या पानी आएगा उसे मेजरमेंट को क्या कर लेंगे? हम नोट कर लेंगे, ठीक। नोट कर लेंगे, ठीक। जैसे मान लो कि मेजरमेंट को हमने नोट किया, जैसे बारिश हुई कितनी, मतलब जो मेजरमेंट आया वो 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। ठीक है, कितना आया है? 20 सेंटीमीटर। मतलब आज बारिश कितनी हुई है? 20 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, ठीक है। तो रेन गेज के द्वारा इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या था? रेन गेज। रेन गेज के द्वारा किसी एरिया की या किसी क्षेत्र की क्या ज्ञात की जाती है? वर्षा की मात्रा, अर्थात उस क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई होगी, या किसके द्वारा मापा जाता है? रेन गेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीएच वैल्यू फॉर एसिडिक सोइल इज, पीएच वैल्यू फॉर एसिडिक सोइल इज, जो अम्लीय मृदाएं होती है, ठीक है, अम्लीय मृदाओं की पीएच मान क्या होता है? क्या होता है? 7 से ज्यादा, 7 से कम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय मृदाओं का पीएच मान होता है 7 से कम, ठीक है। देखो यदि यहाँ पर एसिडिक की जगह यदि सोर कर दे, क्या कर दे? सोर। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएच वैल्यू फॉर सोर सोइल्स, कौन सी सोइल? सोर सोइल, तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा? क्या रहेगी? फिर भी रहेगी 7 से कम। एसिडिक सोइल या सोर सोइल, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, अम्लीय मृदाएं, ठीक है। सोर का मीनिंग क्या होता है? खट्टा। सोर मीनिंग क्या होता है? खट्टा। सोर का अर्थ क्या होता है? खट्टा। और एसिडिक, एसिडिक अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदाएं भी कैसी होती? खट्टी होती है, ठीक है ना। उनका पीएच मान क्या कितना रहता है? 7 से कम। तो अम्लीय मृदाओं का पीएच मान क्या रहता है? 7 से कम रहता है। अब पीएच क्या होता है? पीएच की खोज किसने करी, ठीक है। देखो ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, इनका नाम है एसपीएल सोरेनसन। क्या है? एसपीएल सोरेनसन, सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन। इन्होंने पीएच की खोज की, किसकी? पीएच को खोज के बताया किन्होंने? एसपीएल सोरेनसन साहब ने बताया पीएच के बारे में, ठीक है। पीएच में जो पीएच होता है, इसमें पीएच मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन जानते हैं जनरली, लेकिन एक और होता है पोटेंशियल, क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एच प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या देखते हैं? हम कंसंट्रेशन देखते हैं किसके अंदर? वाटर सॉल्यूशन, वाटर कंटेंट सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देखते हैं? H प्लस आयन और OH माइनस आयन के क्या देखते हैं? इसमें कंसंट्रेशन देखते हैं, कितने H प्लस आयन उसमें उपस्थित है। उस आधार पर हम बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, या फिर उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, या उदासीन होगा, ठीक है। किसके द्वारा? पीएच के द्वारा ही पता लगाया जाता है। कोई भी सॉल्यूशन है मान लीजिए, क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एक विलयन है, उसके अंदर कितने H प्लस आयन है, ठीक है ना। H प्लस आयन की सांद्रता कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर H प्लस आयन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके आधार पर उसकी प्रकृति हमें पता चलती है कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो किसने बताया पीएच के बारे में? एसपीएल सोरेनसन ने, ठीक है। तो एक होता है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल कहाँ तक होता है? पीएच स्केल की वैल्यू 1 से कहाँ तक? 14 तक। कहाँ तक होती है? 1 से 14 तक होती है पीएच स्केल। देखो ये 7 और ये 14, देखो 7 से कम यदि पीएच रहा तो क्या सोइल कैसी होगी? एसिडिक, एसिडिक, ठीक है। 7 पर कैसी रहेगी? न्यूट्रल। सोइल कैसी रहेगी? न्यूट्रल, ठीक। 7 से 8.5 तक कैसी रहेगी? सेलाइन, लवणीय मृदा, ठीक। 8.5 से जैसे ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएगी? एल्केलाइन, एल्केलाइन सोइल, ठीक है ना।
सोइल पीएच की कैटेगरी तीन प्रकार से देखो कैसे। सात से अगर पीएच कम रहा तो सोइल कैसे रहेगी, एसिडिक सोइल कहेंगे उसे, ठीक है। सात जिस सोइल का पीएच मान कितना रहा, सात रहा, ठीक है, तो वो सोइल कैसे होगी, न्यूट्रल या उदासीन, ठीक है। सात से साढ़े आठ, ठीक है, सात से साढ़े आठ या कभी कभी सात से आठ पीएच वाली मृदा कैसे रहेगी, लवणीय मृदा या सेलाइन सोइल, ठीक है। और साढ़े आठ से दस तक, ठीक है, कैसी मृदा मिलेगी हमको, एल्केलाइन सोइल, कैसी क्षारीय, कैसी मृदा मिलेगी हमको, क्षारीय मृदा मिलेगी जिसका पीएच मान कितना रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एसिड सोइल का पीएच मान सात से कम, ठीक है, अब जैसे जैसे सात से कम होते जाएंगे कैसे, साढ़े छः, ठीक है ना, छः साढ़े पाँच, पाँच साढ़े चार, चार, ठीक है ना, तो जैसे जैसे सात से कम होते जाएंगे अम्लीयता कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी अम्लीयता, अम्लीयता बढ़ेगी, याद रखना पीएच जैसे जैसे कम होता जाता है अम्लीयता बढ़ते जाती है, और पीएच जैसे जैसे बढ़ेगा अम्लीयता कम होते जाएगी अर्थात क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, क्या बढ़ती जाएगी, क्षारीयता बढ़ती जाएगी, अपोजिट एक दूसरे की, पीएच कम होने के साथ अम्लीयता बढ़ेगी, पीएच अधिक होने के साथ अम्लीयता कम होगी, पीएच कम होते के साथ क्षारीयता कम होगी, और पीएच बढ़ने के साथ क्षारीयता बढ़ेगी, याद रखना आप, ठीक है। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान सात से कम, और जनरली पूछा जाए तो क्षारीय मृदा का पीएच मान सात से अधिक, लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कि लवणीय मृदा का पीएच मान और क्षारीय मृदा का पीएच मान यदि अलग अलग ऑप्शन आ जाए, तो जो क्षारीय मृदा रहती है उसका पीएच मान कितना होगा, साढ़े आठ से दस तक, कितना, साढ़े आठ से दस तक किसका, क्षारीय मृदा, और लवणीय मृदा का सात से आठ, कभी कभी हो जाता है साढ़े आठ भी, कहीं कहीं बुक में आपको साढ़े आठ भी मिलेगा किसका, सेलाइन सोइल का पीएच मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोमानी वेराइटी रिलेटेड टू विथ फ्रूट क्रॉप, रोमानी किस्म किस फल फसल से संबंधित है, रोमानी किस्म किस फल की किस्म है, किसकी है, तो रोमानी वेराइटी किसकी है, मैंगो की, किसकी किस्म है, मैंगो की किस्म है। देखो रोमानी वेराइटी कैसी होती है, दिखाता हूँ आपको कैसी होती है, ये देखो ये जो किस्म दिख रही है आपको, ये कौन सी किस्म है, रोमानी, इसे क्या कहा जाता है, रोमानी एप्पल, रोमानी मैंगो, सॉरी क्या कहा जाता है, रोमानी मैंगो, ठीक है, कैसा कहा जाता है, रोमानी मैंगो कहा जाता है इस वेराइटी को, ठीक है। इस वेराइटी को एक और नाम कहा जाता है, कौन सा, रोमानी एप्पल, क्या कहा जाता है इसको, रोमानी एप्पल मैंगो, ठीक है ना, क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि इस जो ये वेराइटी है, ठीक है ना, इसके फल कैसे होते हैं, एप्पल जो सेब रहता है ना उसके आकार के रहते हैं, ठीक है ना, सेब जैसे दिखाई जाए देखते हैं, ठीक है, कैसे, सेब। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो पुरानी एग्जाम से एग्रीकल्चर की, कि आम की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो एप्पल सेप्ड होती है, ठीक है ना, जिसके फलों का आकार कैसा होता है, सेब जैसा होता है, फलों का आकार किसके जैसा, सेब के जैसा, सेब एप्पल, ठीक है ना, एप्पल के जैसे होते हैं फल इसके, देखो ध्यान से देखो, एप्पल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, किसके जैसा, एप्पल के जैसा आम दिख रहा है, ठीक है ना, तो कौन सी वैरायटी है, रोमानी, रोमानी किसकी किस्म है, आम की, मैंगो की किस्म है, रोमानी। पपाया, पपाया की कुछ फेमस किस्में होती है, पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ, ठीक है ना, उसके बाद सूर्या, सनराइज सोलो, ये किसकी किस्म है, पपाया की, मैंगो की, और बहुत सी फेमस किस्में हैं, कौन सी, आम्रपाली है, अल्फांजो है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, गुआवा अमृत की, इलाहाबादी सफेदा है, लखनऊ 49 है, ठीक है ना, जिसे सरदार अमृत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लखनऊ 49 को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सरदार अमृत, किस नाम से, सरदार अमृत के नाम से जाना जाता है, किसे, लखनऊ 49 वेराइटी को, किसकी वेराइटी है, गुआवा की, ठीक है ना, इसका जो गुदा रहता है वो किसके किस रंग का रहता है, गुलाबी रंग का, इसका जो गुदा रहता है वो किस रंग का रहता है, गुलाबी रंग का रहता है, कैसा गुदा रहता है इसका, गुलाबी रंग का रहता है। चलिए आगे बढ़ते, व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट का बोटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, क्या है बोटनिकल नेम इसका, पैसिफ्लोरा एडुलिस, क्या है बोटनिकल नेम इसका, पैसिफ्लोरा एडुलिस, ठीक है ना, क्या है नाम है इसका, पैसिफ्लोरा एडुलिस, फैमिली क्या है इसकी, पैसिफ्लोरेसी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पैसिफ्लोरेसी, कभी कभी बोटनिकल नेम से आ जाता है, ये माइनर फ्रूट क्रॉप है, कैसी फ्रूट क्रॉप है, माइनर,
ठीक है ना, माइनर फ्रूट क्रॉप इसे जानना जाता है, पैशन फ्रूट क्रॉप को, ठीक है। तो पैशन फ्रूट का बोटनिकल नेम क्या हुआ, पैसिफ्लोरा एडुलेस फैमिली के पैसिफ्लोरेसी, ठीक है। देखो कैसा होता है पैशन फ्रूट, ये देखो ये है आपका पैशन फ्रूट, ठीक है ना। क्या है ये, पैशन फ्रूट है। जनरली इसकी दो स्पीसीज होती है, ठीक है ना, एक ब्राउन कलर की रहती है, ठीक, जैसा पर्पल भी बोल सकते हैं, कौन सी पर्पल, ये पर्पल कलर वाली रहती है, ठीक, और ये होती है येलो कलर वाली, कौन सी, येलो पैशन फ्रूट, ठीक है ना। अब देखो जनरली इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, येलो कलर वाली का, इसका हाई प्रोडक्शन रहता है, ठीक है ना, हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन, ठीक है। जो येलो कलर का जो पैशन फ्रूट की स्पीसीज रहती है, प्रजाति रहती है, इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। इन दोनों के यदि कंपेरिजन में देखें, ठीक है ना, इसका और इसका, तो किससे हमें सबसे ज़्यादा उपज मिलेगी, जो पीले कलर का जो पैशन फ्रूट रहता है, ठीक है, उससे हमें अधिक उपज प्राप्त होती है। किससे उपज अधिक प्राप्त होती है, तो पीले रंग के पैशन फ्रूट से। वैसे तो कभी खाया हुआ नहीं है, कई लोगों ने पहली बार देखा होगा पैशन फ्रूट है, दिखने में अच्छा दिख रहा है। चलो प्रूनस सेलिसिना किसका नाम है, प्रूनस सेलिसिना किसका है, ये प्लम, क्या है प्लम, प्लम को हिंदी में क्या कहते हैं, आलू बुखारा, आलू बुखारा, प्लम को क्या कहा जाता है, आलू बुखारा भी कहा जाता है, ठीक है ना, आलू बुखारा के नाम से जानते हैं हिंदी में से, क्या है प्लम, ठीक है ना। इसका बोटनिकल नाम क्या है, प्रूनस सेलिसिना, ठीक है। फैमिली रोजेसी, रोजेसी फैमिली क्या है इसकी, रोजेसी फैमिली। ये क्या है, पेरस कम्युनिस, ये किसका नाम है, नाशपाती का, किसका है, नाशपाती, इंग्लिश में क्या कहते हैं नाशपाती को, पियर, नाशपाती इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पियर। इसका बोटनिकल नेम क्या है, पायरस कम्युनिस। इसकी फैमिली भी क्या है, रोजेसी, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है नाशपाती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर छुहारा प्रिपरेशन, छुहारा बनाने के लिए खजूर की कौन सी किस्म सबसे अधिक उपयुक्त तो होती है, कौन सी किस्म, बरही, खदरावी या जाहिदी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है खदरावी। खजूर के जो खदरावी किस्म है वह छुहारा बनाने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। खदरावी किस्म छुहारा बनाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। छुहारा होता क्या है, तो खजूर के जो सूखे फल होते हैं, कैसे, खजूर के, खजूर के जो सूखे फल होते हैं ना, ड्राई फ्रूट, सूखे फल, ठीक है ना, जो खजूर के सूखे फल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, छुहारा, क्या कहा जाता है, छुहारा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी वैरायटी बहुत फेमस है, खदरावी, ये आरएचओ 2016 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया है पिछली इसमें एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सी वैरायटी बेस्ट है, खदरावी, ठीक है। खदरावी कहाँ, किस देश की वैरायटी है, तो इराक की, कहाँ की है, इराक की। इसके फल बहुत मुलायम होते हैं, ठीक है ना, फल कैसे होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, ठीक है। तो छुहारा बनाने के लिए खजूर की कौन सी वैरायटी बेस्ट है, खदरावी, ठीक है ना। बरही और जाहिदी भी इसकी अच्छी किस्में हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन सी, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन सी, किस सब्जी में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, किस में पाया जाता है, रेडिस, मूली के अंदर, ब्रिंजल या बैगन के अंदर, पोटैटो या आलू के अंदर, चिली या मिर्च के अंदर। तो सबसे अधिक विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है चिली के अंदर, मिर्च के अंदर होता है विटामिन सी सबसे अधिक। सब्जियों में यदि बात की जाए तो किसके अंदर विटामिन सी, मिर्च के अंदर, मिर्च के अंदर सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। पोटैटो तो फैट, फैट और फाइबर, पोटैटो के अंदर क्या होता है, फैट और फाइबर होता है, ठीक है ना। ब्रिंजल में आयरन, ठीक है ना, मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम मिलता है ब्रिंजल से हमको, ठीक है ना। चलो मिर्च तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी यदि सब्जियों में बात की जाए तो किसके अंदर होता है, मिर्च के अंदर, ठीक है। और यदि फलों में यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे यदि बारबाडोस चेरी, ठीक है ना, क्या होता है, बारबाडोस चेरी,
बारबाडोस चेरी के अंदर सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद यदि बात करें तो आंवला, ठीक है, क्या आंवला, ठीक है, आंवला के अंदर जनरली क्वेश्चन पूछा गया है कि आंवला के अंदर कितना होता है, तो 600 mg, 600 mg विटामिन सी होता है पर 100 ग्राम, ठीक है ना, पर 100 ग्राम एडिपल पार्ट यदि आंवला का ले तो उसके अंदर 600 mg विटामिन सी हमको मिलेगा। कितना, 600 mg बारबाडोस चेरी, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म में, ठीक। सेकंड यदि पूछा जाए तो आंवला, आंवला के बाद यदि पूछा जो भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट हैं, ठीक है ना, कौन से सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली, ठीक है ना, कौन सी फैमिली, जो सिट्रस फलों की जो फैमिली है, कौन से, रूटेसी, रूटेसी, रूटेसी परिवार में जितने भी फल आते हैं कौन कौन से आते हैं, नींबू, संतरा, ठीक है ना, मौसम्बी, इनमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बाद यदि ऑप्शन में देखें तो आप नींबू को करेक्ट या चूज करना, वो सही आंसर आपका माना जाएगा। एपिकोटल ग्राफ्टिंग इज डन इन, देखो एपिकोटल ग्राफ्टिंग इज डन इन, एपिकोटल ग्राफ्टिंग किसके अंदर की जाती है, ठीक है, किसके अंदर की जाती है, आम के अंदर, केसियो के अंदर, एप्पल के अंदर, ए एंड बी, ठीक है। उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए एंड बी। ए में क्या है, मैंगो, और बी में क्या है, केसियो। आम और केसियो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, काजू, क्या कहा जाता है, केसियो नट या काजू, ठीक है ना। तो एपिकोटल ग्राफ्टिंग किस में की जाती है, मैंगो के अंदर भी की जाती है और काजू के अंदर, आम और काजू दोनों के अंदर की जाती है एपिकोटल ग्राफ्टिंग, ठीक है। देखो ये जनरली है आम के अंदर की जाने वाली एपिकोटल ग्राफ्टिंग। देखो इसमें क्या होता है, आम जनरली कैसे किस पौधा है, ठीक है ना, आम की जो गुठली रहती है, ठीक है ना, उसमें क्या बहुभ्रूणी होती है, ठीक है ना, आम की कुछ किस्में ऐसी होती है जो बहुभ्रूणी है, एक ही बीज से क्या होता है, बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। देखिए जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे एक ही गुठली से कितने सारे पौधे निकल आए, ठीक है। तब क्या करते हैं जनरली इनमें क्या करते हैं, हर एक पौधे को क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। देखो ये गुठली से जो पौधा निकला, इसको कट लगाया और एक दूसरी साइन लाया, ठीक है ना, दूसरे पौधे की क्या लिया हमने, शाखा ली और उसको क्या कर दिया, यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिया, अटैच कर दिया दूसरी उस शाखा से, ठीक। तो क्या हो गई है, एपिकोटल ग्राफ्टिंग, ठीक है। एपिकोटल ग्राफ्टिंग को क्या कहा जाता है, एक और नाम है एपिकोटल ग्राफ्टिंग का, स्टोन ग्राफ्टिंग, इसे क्या कहा जाता है, स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। एपिकोटल ग्राफ्टिंग को क्या कहा जाता है, स्टोन ग्राफ्टिंग, कभी कभी कंबाइन भी दे देता है, एपिकोटल स्टोन ग्राफ्टिंग। किसमें की जाती है, तो आम के अंदर, आम के साथ साथ काजू में भी यही क्रिया की जाती है प्रसारण के लिए, ठीक है ना। ये नई टेक्निक है आम के अंदर, जनरली आम के अंदर कौन सी कमर्शियल यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, दो प्रकार से होती है, ठीक है ना, कौन सी, एक तो विनियर ग्राफ्टिंग और एक इनार्चिंग, ठीक है, जो उत्तरी भारत है, कौन सा, उत्तरी भारत, ठीक है ना, और एक दक्षिणी, ठीक है ना। तो उत्तरी में कौन सी, विनियर ग्राफ्टिंग, कौन सी, विनियर ग्राफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी, और दक्षिणी भारत में कौन सी, इनार्चिंग, इनार्चिंग, इनार्चिंग के द्वारा क्या होता है, आम का प्रसारण किया जाता है, ठीक। उत्तरी भारत में विनियर ग्राफ्टिंग की जाती है आम में, और दक्षिणी भारत में क्या की जाती है, इनार्चिंग की जाती है। और आम में जो नई विकसित प्रसारण की विधि है वो कौन से, एपिकोटल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है, याद रखना आप, किसमें की जाती है, आम के अंदर और काजू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ए एंड बी। एप्पल सेब के अंदर क्या की जाती है, जनरली ग्राफ्टिंग की जाती है, सेब के अंदर भी कौन सी क्या की जाती है, प्रोपोगेशन किससे होता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, किसके अंदर, सेब के अंदर, एप्पल के अंदर। ग्राफ्टिंग में भी कौन सी ग्राफ्टिंग, देखो अलग अलग ग्राफ्टिंग, इसमें रूट ग्राफ्टिंग करते हैं, कौन सी, रूट ग्राफ्टिंग, ठीक। बेज ग्राफ्टिंग भी होती है, टंग ग्राफ्टिंग भी होती है इसमें, ठीक है, क्लिफ ग्राफ्टिंग भी की जाती है, लेकिन रूट ग्राफ्टिंग भी की जाती है इसमें, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ ले कि एप्पल के अंदर कमर्शियली प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, रूट ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, रूट ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। रेसर पाइन, अगला क्वेश्चन है हमारा, रेसर पाइन एल्केलॉइड इज फाउंड इन, रेसर पाइन एल्कोलाइड किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, किसमें पाया जाता है, तो अश्वगंधा में, सर्पगंधा में, दतुरा में या आमला में, किसमें पाया जाता है, तो यह सर्पगंधा, सर्पगंधा के अंदर रेसर पाइन एल्केलॉइड पाया जाता है, ठीक है ना। ये कैसी सारी क्रॉप्स हैं, औषधि, मेडिसिनल प्लांट है, कैसे प्लांट है, मेडिसिनल, ठीक है ना,
मेडिसिनल प्लांट है सारे, ठीक है, औषधीय पौधे हैं। अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया, धतूरा हो गया, अमला हो गया, सब कैसे हैं? मेडिसिनल प्लांट है। कैसे? मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधे, इनका औषधीय महत्व बहुत अधिक है, ठीक है ना। चलो, तो सर्पगंधा के अंदर क्या होता है? रेसरपाइन एल्केलॉइड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल रिसोर्स इन फार्म मैनेजमेंट, ठीक है ना, खेत प्रबंधन में निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील संसाधन नहीं है? कौन सा परिवर्तनशील संसाधन नहीं है अपने फार्म मैनेजमेंट में, खेत प्रबंधन में? कौन सा है? फर्टिलाइजर या उर्वरक, सीड या बीज, पेस्टिसाइड या फिर मशीनरी? कौन सा परिवर्तन रिसोर्स नहीं है, परिवर्तनशील या वेरिएबल रिसोर्स नहीं है? कौन नहीं है? तो मशीनरी, ठीक है ना। वेरिएबल रिसोर्सेज क्या हो? देखो, दो प्रकार के होते हैं, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल रिसोर्सेज फार्म मैनेजमेंट में, ठीक है ना, फार्म के ऊपर। वेरिएबल रिसोर्सेज मतलब जिन्हें हम बदलते रहते हैं, ठीक है ना। कैसे बदलते रहते हैं? देखो, खाद, तो खाद की मात्रा प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग रहती है, ठीक है ना, समय के हिसाब से भी अलग अलग और डिमांड के हिसाब से भी अलग अलग रहती है, ठीक। प्रत्येक फसल में फर्टिलाइजर हम अलग देंगे, पहली बात, अलग मात्रा में देंगे, ठीक है, और समय के साथ बदलती रहती है। बीज की मात्रा भी समय और कीमत के साथ बदलती रहती है। पेस्टिसाइड की मात्रा भी समय और कीमत के साथ बदलती रहती है। मशीनरी, देखो, यदि एक बार आप फार्म पर ले आए, जैसे आप कल्टीवेटर ले आए, तो सदा के लिए कल्टीवेटर ही है ना। अब संख्या बढ़ा सकते हैं आप इसकी, ठीक है ना, लेकिन इसको क्या, आप हटा नहीं सकते इसको, बिल्कुल संख्या जरूर बढ़ा सकते लेकिन आप हटा नहीं सकते। लेकिन पेस्टिसाइड का कैसा है? जनरली एक बार आप किसी दूसरी कंपनी का पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे, अब किसी और कंपनी का पेस्टिसाइड यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, अलग मात्रा में यूज़ कर लेंगे। तो क्या यह सब वेरिएबल है? पेस्टिसाइड, बीज, उर्वरक, खाद, ये सब कैसी है? वेरिएबल रिसोर्सेज होते हैं फार्म मैनेजमेंट में, ठीक है। देखो, फार्म मैनेजमेंट में जनरली तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों की जरूरत होती है। किनकी? जो मेन इसके पिलर है फार्म मैनेजमेंट, कौन से? पहला, लैंड, ठीक, भूमि होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होना जरूरी? कैपिटल, ठीक, लैंड, कैपिटल, और तीसरा लेबर। ये तीन चीजें यदि नहीं है तो हम फार्म मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारा फार्म का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होगा। किसके बिना नहीं हो सकता? खेती करने के लिए सबसे पहले भूमि होना, ठीक है, फिर कैपिटल, पूंजी भी होना चाहिए हमारे पास, रुपए पैसे भी होने चाहिए, लेबर, श्रमिक भी होना चाहिए, काम कौन करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो ये, तो इसमें नॉन वेरिएबल कौन सा है? मशीनरी। मशीनरी कैसा है? नॉन वेरिएबल, ठीक है ना, बदलता नहीं है। तो मशीनरी, यदि यहाँ पर फार्म इम्प्लीमेंट्स होता है मशीनरी की जगह, तो अभी इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। क्या इसका करेक्ट आंसर होता है? मशीनरी। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।